नमस्कार दोस्तों, मर्चेंट नेवी लाइफ में आपका फिर से स्वागत है। तो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ यूएस वीज़ा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जो यूएस वीज़ा सी फेरर को मिलता है, जो आप लोग अगर कोई करेगा तो कोई अगर यूएस वीज़ा के लिए जानना चाहता है तो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में यूएस वीज़ा क्या है। एक क्वेश्चन आया था मेरे पास यूएस वीज़ा के बारे में, तो मैं बता दूँ कि यूएस वीज़ा जब कोई ITF कंपनी में ज्वाइन करोगे ना तो आपको यूएस वीज़ा मिलता है। वो कंपनी निकाल के देती है जब आप कभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे घुसते हो। अगर जाए आप उस साइड यूएस के साइड आप निकल गए यूएस बॉर्डर में, आप जब भी एंट्री करोगे तो वहाँ यूएस वीज़ा मस्ट है। अगर एकदम मस्ट है, जब भी आप कभी वहाँ पे गए तो यूएस वीज़ा मस्ट है। जो कोस्ट गार्ड वाले होते हैं वहाँ के वो एकदम मस्ट चेक करते हैं कि हाँ भाई ये किस लिए बंदा आया है, इधर क्या करने आया है। तो यूएस वीज़ा अगर उस बॉर्डर में जा रहे हो तो यूएस वीज़ा मस्ट है। तो मसला ये है कि ITF कंपनियाँ क्यों निकलवाती हैं, क्योंकि ITF कंपनियाँ इसलिए निकलवाती हैं क्योंकि उनकी शिप जो होती है ना वो US से लेके पूरा वर्ल्ड वाइड तक चलती है। कहीं पे भी चल जाएगी, किधर भी, जहाँ से भी कॉलिंग आ गई वहाँ चली जाएगी। तो इसलिए US वीज़ा मस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ITF कंपनियाँ होती हैं वो ज़रूर से निकलवा के देती हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है, तो इसको कैसे निकाला जाता है, तो मैं बता दूँ कि इसका पहले एक फॉर्म भरवाती है कंपनी। ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे आपका, उसके बाद आपको एक डेट मिलती है US वीज़ा के लिए। तो आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, US एम्बेसी जहाँ जहाँ है। ये मेन तो दिल्ली में है और एक मुंबई में, मेरा मुंबई से निकला था। तो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपका थंब, जैसे आप पासपोर्ट बनवाते हो ना वैसे, पहले दिन तो आपका थंब इंस्प्रेशन होगा और आँख का फ़ोटो वगैरह आपकी फ़ोटो लेंगे। फिर अगले दिन आपका इंटरव्यू होता है। जो US कंसल्ट जो होते हैं, जो US वाले होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेंगे। आपसे पूछेंगे कि आप क्यों इसलिए US वीज़ा बनवा रहे हो, क्या है वो, आपसे थोड़ा क्वेश्चन पूछते हैं। वो US वाले होते हैं, वो इंडिया वाले नहीं रहते, वो US वाले वहाँ बैठे रहते हैं एम्बेसी वाले। तो वहाँ से आपको अप्लाई करेंगे, तो उसके बाद 2-3 दिन बाद आपका US वीज़ा कंफर्म हो जाता है, आपका पासपोर्ट जमा हो जाता है, तो US वीज़ा लगा के देते हैं आपको। तो आपको फिर उसके बाद US वीज़ा मिल जाता है। उसके बाद जब आप कभी ज्वाइन करोगे, उसका 5 साल का वैलिडिटी होता है US वीज़ा का। तो इनका क्लास बता दूँ हम लोग को क्या मिलता है, C1D क्लास वीज़ा मिलता है। जो ये है कि आप US में एंट्री कर सकते हो, वहाँ पे घूम फिर सकते हो, लेकिन वहाँ पे रह नहीं सकते, ये नहीं है। लेकिन आपको इतना C1D का मतलब ये होता है कि आप वहाँ जाके जा सकते हो US में, आप वहाँ पे घूम सकते हो, होटल में रह सकते हो, आराम से खा पी सकते हो, और इंटरनेशनल बॉर्डर्स में चल सकते हो, गल्फ ऑफ मेक्सिको में चल सकते हो, आप साउथ अमेरिका में चल सकते हो, नॉर्थ अमेरिका में चल सकते हो, कहीं पे भी आप US में कहीं पे भी घूम सकते हो। उसके US वीज़ा अगर आपके पास है तो आप कहीं पे भी जा सकते हो US में, लेकिन वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते। आपकी कहीं स्टे करना चाहो 1-2 महीने, 5-6 महीने के लिए, तो उस वीज़ा से आप स्टे नहीं कर सकते हो। एक दूसरा वीज़ा होता है जो H1 क्लास वीज़ा होता है या B1 क्लास वीज़ा होता है। तो हम लोग को सीफेरर को कौन सा मिलता है, C1D क्लास वीज़ा मिलता है। जब भी अभी कभी कोई ITF कंपनी ज्वाइन करोगे तो वो आपको C1D क्लास वीज़ा निकलवा के देती है। तो यही इसका यूज़ है, मतलब आप जब भी US में एंट्री करोगे तो आपको ये वीज़ा मस्ट होता है। जब आप जैसे आपकी ज्वाइनिंग है इंडिया से लेके ह्यूस्टन जॉइनिंग है आपकी, ह्यूस्टन जाना है आपको, तो वहाँ पे आपका इमिग्रेशन में चेक करेंगे कि हाँ भाई बंदे के पास US वीज़ा है कि नहीं। अगर नहीं है तो वापस डिपोर्ट कर देते हैं आपको, वापस कर देंगे। तो इसलिए US वीज़ा मस्ट निकलवा के कंपनी देती है जब आप ITF कंपनियाँ ज्वाइन करते हो। तो US वीज़ा मस्ट इंपॉर्टेंट है सीफेरर के लिए, मैं बता दूँ। अगर आपको अगर और US वीज़ा का ये भी फ़ायदा है कि आपको बड़ी बड़ी ITF कंपनियाँ उठा लेगी। अगर US वीज़ा आपके पास है और 1-2 टैंकर का सेल है, तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को पूरी जितनी कंपनियां ना सब खाली पड़ी है, मतलब आपको बुला लेगी फटाफट। US वीज़ा तो इंपॉर्टेंट मांगता है कि हाँ भाई बंदे के पास US वीज़ा है तो तुरंत उठा लेगी बच्चों को, कोई भी कंपनी उठा लेती है। US वीज़ा मस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की डेट में, जिसके पास है उसकी लाइफ सेट है। तो ये मैं बोल रहा हूँ US वीज़ा, एक दो बंदे, एक भाई ने पूछा था, पता नहीं कोई इसने पूछा था C1D क्लास वीज़ा के बारे में। तो यही इसका मतलब है यार, जब इंटरनेशनल बॉर्डर पे जाओगे US के तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इतनी जानकारी थी मेरी US वीज़ा के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।